फ्रेंड्स वेलकम टू नव क्लासेस। आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो। एंड मैं डेली अपलोड कर रही हूँ तो ज़रूर चैनल पे आके देख लिया करो। सो आज हम डिस्कस करें नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवदीप कौर एंड आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर फॉलो जरूर कीजिएगा और मेरे सारे कोर्सेज एनरोल करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं न्यू लेसन्स वहाँ पर ऐड करूँ। सभी लेसन्स मेरे वहाँ पर कोर्स फॉर्म में है और जो इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको एक ही जगह पर सभी लेसन्स वहाँ पर मिल जाएंगे। सो आप अन अकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे क्लिक करोगे आपको प्रॉम्प्ट करेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो यस, हमारा जो नेशनल फिल्म अवार्ड है 2018 ये किसको मिला है, यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है विनोद खन्ना को। ठीक है, तो ये दो अवार्ड्स हैं, जैसे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड है एंड देन दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड है। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है विनोद खन्ना को, ये आप देख सकते हैं। एंड श्रीदेवी को बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड मिला है। तो 65 नेशनल अवार्ड्स जो अभी ऑनर किए गए हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है श्रीदेवी का अवार्ड, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मॉम फिल्म के लिए उनकी। और इंडियन सिनेमा का सबसे ज़्यादा ऑनर अवार्ड जिसको माना जाता है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो विनोद खन्ना को दिया जाएगा। ठीक है, सो मिस्टर खन्ना जो है इनकी डेथ हो गई थी अप्रैल 2017 में बहुत लंबी इलनेस के बाद। सो और रिसेंटली श्रीदेवी जी की भी डेथ हुई है। सो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों को ही अवार्ड मिलेगा। सो ये भी पूछ सकते हैं कि जूरी चेयरमैन कौन रहे, तो वो शेखर कपूर एंड देन इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड एंड आपके जो श्रीदेवी हैं इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मॉम फिल्म के लिए। सो विनोद खन्ना के बारे में क्या खास है, वो ये है कि ये इनको 49th अवार्ड मिलेगा दादा साहेब फाल्के का। और दूसरा, ये सेकेंड एक्टर ऐसे हैं जिनको उनकी डेथ के बाद अवार्ड मिलेगा। इससे पहले किसको मिला था, पृथ्वीराज कपूर को उनकी डेथ के बाद मिला था, अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनोद खन्ना को उनकी डेथ के बाद मिल रहा है। तो ये उनके अगर देखें तो सेकंड एक्टर जाने जाएंगे। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में आ सकती हैं कि कौन से नंबर के एक्टर हैं जिनको पोस्ट मोस्टली या फिर आफ्टर मरण उपरांत मिलेगा, तो वो है विनोद खन्ना सेकेंड एंड फर्स्ट पृथ्वीराज कपूर। देन अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है आ जाता है। दो मलयालम फिल्म्स को बेस्ट 5 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं एंड देन थोंदी मुथालम त्रिक्साक्षियम को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फाहद फाजिल के लिए, और बेस्ट स्क्रीन पे का मिला है संजीव फजूर के लिए। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये आता है कि जो ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर हैं AR रहमान, सो इनको बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मिला है अवार्ड मॉम के लिए। और इनको बेस्ट सॉन्ग वाला अवार्ड किसके लिए मिला, तमिल फिल्म कात्रू वेलियाइदी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, इसको सही से प्रोनाउंस नहीं करना आता तो कोई बात नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट फिल्म है। सो उसके अलावा जो बाहुबली है इसको मिला है बेस्ट पॉपुलर फिल्म, जिसमें पूरा एंटरटेनमेंट से भरपूर है इसलिए। और हिंदी फिल्म्स की बात करें तो न्यूटन का नाम आता है यहाँ पर हिंदी फिल्म में, डार्क कॉमेडी ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर जो दिखाई गई है बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए। सो न्यूटन का नाम ज़रूर याद रखना ना। सो मेन बात यह है कि न्यूटन के लिए पंकज त्रिपाठी जो उनके एक्टर रहे हैं अभिनेता रहे हैं उनको इसका अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो नाम यहाँ से याद रखने हैं आपने। सो चिल्ड्रन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चिल्ड्रन फीचर में अगर हम देखें दिव्या दत्ता का नाम आता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हिंदी फिल्म इरादा के लिए, और इनको अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए भी। तो ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि बेस्ट फिल्म इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। देन मोरक्या मराठी फिल्म जो है ये चिल्ड्रन की बेस्ट फिल्म मानी गई है। देन आपका ये जो है के सिंगर के जे येसुदास, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है बेस्ट मेल सिंगर के लिए, और इनका ये जो सॉन्ग था पोए मरंजा कलाम, और इस फिल्म का नाम था विश्वास्व पूर्वा म मंसूर। तो ये मलयालम फिल्म थी एंड देन अवार्ड बेस्ट सिंगर का जाता है साशा त्रिपाठी, बेस्ट फीमेल सिंगर का जाता है इनको, और इनका सॉन्ग था वान। ये अगेन फिल्म जो बेस्ट ही रही है कात्रू वेलियाइदी,
ठीक है, तो इसके लिए आपके ये जो लिस्ट है मैंने इस तरीके से यहाँ पर कंपाइल कर दी है, ये बहुत ही ईजी हो जाएगा यहाँ से देखना और याद रखना, तो बेटर है आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनोद खन्ना, बेस्ट डायरेक्टर के लिए जयराज फॉर ये जो मलयालम फिल्म है भयानकम, एंड देन बेस्ट फीचर फिल्म विलेज रॉक स्टार असामिस, एंड देन एक्टर के लिए है रिद्धि सेन फॉर नगर कीर्तन बंगाली फिल्म, एंड देन एक्ट्रेस के लिए श्रीदेवी फॉर मॉम, अगेन इम्पॉर्टेंट एक्टर के लिए देख लेना रिद्धि सेन और एक्ट्रेस के लिए श्रीदेवी। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट हो गए यहाँ पर और ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। सो ये इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म, कौन सी, इरादा वाली, क्योंकि ये आपका एग्जाम में है, एग्जाम में इन्वायरमेंट वाला टॉपिक इसलिए। एंड देन सपोर्टिंग एक्टर का है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्शन डायरेक्शन के लिए, बेस्ट एक्शन डायरेक्शन के लिए बाहुबली, कोरियोग्राफी के लिए गणेश आचार्य, टॉयलेट फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फिल्म है उसके लिए फिर बाहुबली 2 तेलुगु, एंड देन ये आप देख सकते हैं सोशल इश्यूज़ वाला इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके लिए, उसके लिए कौन सी वाली फिल्म है, उसके लिए है अलोरुकम मलयालम फिल्म है ये सोशल इश्यूज़ के लिए। ठीक है, चाइल्ड आर्टिस्ट में भनीता दास विलेज रॉक स्टार के लिए, एंड चिल्ड्रन फिल्म है ये वाली मोहर क्या मराठी फिल्म है, ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन फिल्म वाली भी। सो ये मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पे टिक लगा दिए हैं। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट के लिए भी बाहुबली 2 है, और ये भी आपके न्यूटन के बारे में मैंने बात कर दी जो हिंदी फिल्म है। देन बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए एआर रहमान, एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड स्कोर के लिए भी एआर रहमान मॉम के लिए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। सो आप देख जरूर लेना, सारा रीड जरूर कर लेना, प्रोडक्शन के लिए कौन कौन है यहाँ पर, स्क्रीन प्ले के लिए कौन कौन है, सो एक बार रीड कर लेना ये पूरा। ठीक है, ये मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा आपको। बाकी एक जो फिल्म है इरादा वाली इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, उसको याद रख लेना दिमाग में, वो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, आज का लेसन मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है, और बाकी मेरा अन अकेडमी प्लस पे आ रहा है कोर्स, सो आप अन अकेडमी की मेरी प्रोफाइल पे जाकर या फिर प्लस पे जाकर आप मेरा कोर्स एनरोल कर सकते हो। वहाँ पर आपको पेपर 1 के लिए प्रॉपर स्पेशल क्लासेस दी जाएगी, डिस्कशन फॉरम भी होगा जहाँ पे हम और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कोई भी क्वेरी है तो। ठीक है, तो वो कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर 1 फुल प्रिपेयर करना है मेरे साथ, तो आप मेरे वो लाइव सेशन वाला कोर्स कंप्लीट आप कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, सो उसको एनरोल जरूर कर लेना, कल मैं या फिर आज शाम को लिंक इस यहाँ पर भी दे दूँगी, अदरवाइज unacademy.com/plus पे आके आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।